हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिखाऊंगी हरी मिर्च और लहसुन की बहुत ही टेस्टी चटनी, जिसको आप लंच डिनर कभी भी बना के खा सकते हो और बहुत ही यमी लगती है खाने में, और आप इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लूँगी 100 ग्राम हरी मिर्च, 20 से 25 लहसुन की कलियाँ, लास्ट में लूँगी आधा कप रोस्टेड मूँगफली। अब हम कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन ताकि इनका कच्चापन चला जाए। चलाते हुए 2 मिनट पकाएंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च और मूँगफली भी डाल देंगे। अब इसको हम 5 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। यहाँ पे हमारा सभी चीज़ों का कच्चापन जो है ख़त्म हो गया। अब हम कर देंगे फ्लेम बंद और नमक डाल देंगे, मिक्स करेंगे। तो सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब हम इसको मिक्सर जार में डालकर दरदरा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी चटनी जो है बनके हो गई रेडी। आप इसको हरी मिर्च का ठेचा बोलो या चटनी बोलो, पराठों के साथ खाओ या चावल के साथ, बहुत ही यमी लगती है। आप इस चटनी को लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखना चाहते हो तो आप इसमें गरम तेल करके डाल सकते हो और इसको आप 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो। मैंने यहाँ पे इस चटनी को कांच के बाउल में स्टोर करके रखा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये चटनी या ठेचा की रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग भी इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करना, फीडबैक में ज़रूर बताना कैसी बनी थी। फिर मिलते हैं एक अमेजिंग और अच्छी सी रेसिपी के साथ। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।